ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार के दो मंत्रियों के अचानक इस्तीफा देने से सियासी संकट बढ़ गया है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने मंगलवार देर रात इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पहले से ही विवादों में घिरे ब्रिटिश पीएम की मुश्किलें और बढ़ेंगी, उन पर भी पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। पार्टीगेट मामले में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। जॉनसन का आरोप है कि जब कोरोना की वजह से पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध लगे थे, तब जॉनसन हाउस पार्टी कर रहे थे। इस पूरे वाक्य को ब्रिटेन में पार्टीगेट स्कैंडल नाम दिया गया। रूस यूक्रेन जंग अपने पांचवें महीने में है, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को स्लोवियांस्क शहर में हुई रूसी गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और 7 गंभीर रूप से घायल हुए। लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने स्लोवियांस्क पर हमले तेज कर दिए हैं। यूएन के मानवाधिकार चीफ मिशेल बाचेलेट ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन में सैकड़ों आम नागरिकों को हिरासत में लिया है। बाचेलेट ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों की डेटा इकट्ठा करने से रोकने के बावजूद हमने मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के 270 मामले दर्ज किए हैं। पीड़ितों में 8 के शव पाए गए। रूस के लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जे के एक दिन बाद डोनेट्स्क के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने 3,50,000 लोगों को उस क्षेत्र से निकालने की अपील की है। किरिलेंको ने कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप होगा। लोगों को क्षेत्र से निकाले जाने के बाद यूक्रेनी सेना शहर में जंग की तैयारियां यहीं से कर सकेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अपने अफसरों से कहा है कि वो हर हाल में सियासत और सियासतदानों से दूर रहें। इस आदेश के मुताबिक अफसरों से कहा गया है कि वो नेताओं से बातचीत भी ना करें तो बेहतर है। इस आदेश को काफी दिन तक सीक्रेसी एक्ट के तहत गुप्त रखा गया, लेकिन अब यह सामने आ गया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देश भीषण गर्मी और सूखे से बेहाल है। कनाडा और अमेरिका में अलास्का कैलिफोर्निया समेत राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के चलते जंगल की आग ने इस साल कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस साल एरिजोना और दक्षिणी कैलिफोर्निया में जंगलों की आग की जद में करीब 7 लाख एकड़ का इलाका आ चुका है। अमेरिका के इंडियाना में फायरिंग हुई है जिसमें 10 लोगों को गोली लगी है, इसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। गैरी पुलिस ने बताया है कि हॉलीडे पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना हुई। पिछले 24 घंटे में फायरिंग की लगातार ये दूसरी घटना है, जिससे पहले सोमवार को शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग हुई थी जिसमें 6 लोग मारे गए थे। चीन ने बीते 3 दशकों में जो आर्थिक तरक्की हासिल की उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ने खुद को सामरिक तौर पर काफी मजबूत किया। हालांकि इसी दौरान सरकारी दमन का जो दुष्चक्र चलाकर लाखों लोगों का उत्पीड़न भी किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अग्निपथ योजना के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। 5 जुलाई तक 255 को पहले ही रजिस्टर्ड किया जा चुका है। 255 युवाओं में से 70 लड़कियां हैं। पंजीकृत लोग पुंछ के कई सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं। यह जानकारी दुर्गा बचाटियन पुंछ ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसून सिंह ने दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम घटने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतें 48 दिनों बाद फिर से बढ़ाई गई है। इंडियन ऑयल के ताजा अपडेट के मुताबिक नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर अब आपको 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। राजधानी दिल्ली में अब 14 रुपए सिलेंडर कीमत 1000 से बढ़कर 1053 रुपए हो गई है। प्रदेश में मानसून आ गया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। अगले 4 दिन भी भारी बारिश का अनुमान है और इसके चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लग गया है। कुल्लू में बादल फटने से नाला उफान पर है, कई लोगों के बहने की आशंका है। मुंबई दिल्ली बारिश से बदहाल हो गए हैं। इन बड़े शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कुल्लू जिले में रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह नुकसान होने की जानकारी मिली है। मणिकर्ण घाटी के चूज नाले में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई, जिससे पार्वती नदी के किनारे बने रेस्टोरेंट और कई घर के बह जाने की जानकारी है। हादसे में लोगों की भी बहने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक ही दिन में 2 बड़ी कामयाबी मिली है। जहां श्रीनगर बारामूला हाईवे पर IED डिफ्यूज कर दिया गया, तो वहीं कुलगाम में 2 आतंकियों ने अपने माता पिता के कहने पर सरेंडर कर दिया। आतंकी सरेंडर करके जैसे ही बाहर आए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
देश में बीते 14 दिन से रोजाना कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को भी 15,733 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले दिन के मुकाबले नए केस में 22% का इजाफा हुआ। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,14,475 पर पहुँच गई है। अलीगढ़ में विधायक संजीव राजा ने गौशाला का उद्घाटन किया। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए गौशाला की विशेषता बताई और विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गैस रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी है। रावली महदूद सलीमपुर टेंसो चौक के बाजारों में गैस एजेंसियों से साठगांठ गैस कारोबारी और गैस एजेंसी संचालक अवैध कमाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हरिद्वार में आम के बगीचे में मजदूरी कराने के बहाने महिला को जंगल में ले जाकर 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पीड़िता ने सिडकुल थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जौनपुर के रावतपुर गांव के 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों वीडियो में युवक अवैध असलाहों को लहराते दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पहले वीडियो के युवक ने अपने जन्मदिन पर एयरगन से फायर किया और दूसरा वीडियो 6 माह पुराना जिसमें युवक अवैध असलाहे का प्रयोग कर रहा है। पुलिस ने दोनों वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। मिर्जापुर के विंडहम फॉल में ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वृक्षारोपण अभियान चला रही है। अभियान के तहत प्रदेश में 15 अगस्त तक 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया और मिर्जापुर में 79.81 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। वन विभाग के अलावा 28 विभागों में अभियान में हिस्सा लिया है। पीलीभीत के काजी मौलाना जरताफ रजा हसमती ने दावत इस्लामी को आतंकवादी तंजीम बताया। उन्होंने कहा कि दावत इस्लाम का कनेक्शन पाकिस्तान से है। उनकी दरगाह प्रशासन को दावत इस्लामी के बारे में बताती रही है, लेकिन प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं दिया। प्रतापगढ़ के दारी माधव गांव में एक भैंस कुएं में जा गिरी। भैंस को गिरता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों ने 6 घंटे रेस्क्यू कर भैंस को सुरक्षित बाहर निकाला। सहारनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन राडा ने पत्रकार वार्ता की जिसमें पुलिस अधीक्षक ने ईद और कांवड़ यात्रा को पुलिस की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ अखिलेश यादव के ट्वीट का संभल सांसद ने समर्थन किया। सांसद ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। राजकीय इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आराधना शुक्ला ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। आजकल लोग फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है अयोध्या से, जहां एक युवक ने फेमस होने के लिए नायाब तरीका निकाला। युवक दूल्हा बना पूरे शहर में घूम रहा है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुके हैं, जिसे वापस लाने के लिए सभी लोगों से अपील कर रहा है। मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बागपत के ऐतिहासिक वाल्मीकि आश्रम से वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वृक्षारोपण जन आंदोलन प्रभारी मंत्री दानिश अंसारी और नोडल अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को संबोधित कर वृक्षारोपण करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही मंदिर प्रांगण में वृक्ष लगाने का प्रण लिया है। रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि जनता बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। जनता इस महंगाई बेरोजगारी को लेकर जवाब देगी। कांग्रेस का कहना है कि मतदान के जरिए जनता बीजेपी को बताना चाहेगी महंगाई से परेशान है।
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ साथ बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में वायरल बुखार भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। उत्तराखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज CMS डॉक्टर KC पंत ने आम जनता से अपील की है कि वो इन बीमारियों को नजरअंदाज न करें और अस्पताल जाकर अपना समुचित इलाज करें। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत देवरिया में भी वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण जन आंदोलन में जनपद वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया। अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य 23,63,440 पौधों का रोपण हुआ। सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने माधोपुर में स्थित पौधारोपण किया। डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड चौकी के अंतर्गत ग्राम देवरी के ग्रामीणों ने अनावेदकों पर चुनावी रंजिशों को लेकर मारपीट का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर SDM से शिकायत की है। ग्रामीणों ने कहा कि हारे प्रत्याशी ने घर में घुसकर परिवार के लोगों के बीच मारपीट की और जान से मारने की मांग की है। फतेहाबाद के थाना निबोहरा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक विवाहिता की आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गुना जिला मुख्यालय से हाईवे पर ओवरलोड वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। शहर से महज 6 किलोमीटर दूर बिलोनिया गांव के पास यातायात पुलिस ने आइसर ट्रकों को रोककर पूछताछ की, जिसमें देखा कि तीनों आइसर ट्रकों में बकरे भरे हुए थे जो कि शिवपुरी से मुंबई की ओर जा रहे थे, लेकिन यातायात सुविधा ने 1,000 की रसीद काटकर ट्रक ड्राइवर को रवाना कर दिया। हमीरपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसे लेकर DM डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी SP शुभम पटेल ने केंद्रों का निरीक्षण किया। जिले में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4 परीक्षा सेंटरों में 1614 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात होगा। हापुड़ से खबर, जहां गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ रोड पर बाइक सवार और अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई। दरअसल मेरठ के भटीपुरा से बेटी का इलाज कराकर शख्स वापस घर लौट रहा था। इस दौरान वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई। बच्ची घायल हो गई है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम में भेजकर आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। नोटा थाना की बनवार पुलिस चौकी के गांव मनगोवा मानगढ़ में गांव के समीप पुराने तलैया में नहाने गए 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। दोनों मासूम दोपहर घर से निकले थे, जो काफी देर तक घर नहीं लौटे। इसके बाद परिजन मासूमों की तलाश में निकले। पुराने तलैया जाकर देखा तो किनारे दोनों बालकों के कपड़े दिखाई दिए। ग्रामीणों ने मासूमों के शव को बाहर निकाला है। महाराजगंज के बरगदवा थाने के सामने शव रखकर परिजनों समेत अन्य लोगों ने हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि नाली विवाद के चलते दबंगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते परिजनों ने आक्रोशित होकर शव रखकर चक्का जाम किया। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, चक्का जाम समाप्त नहीं होगा। रामपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर दर्जनों ग्रामीणों के खाते से लाखों रुपए उड़ाने वाले 2 हैकरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों हैकर खेमपुर गांव में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों को खाली करा लिया करते थे। लाखों रुपए की ठगी करने वाले दोनों सातेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सितारगंज के सिटकुल मार्ग पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे CSC में उपचार कर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। आगामी कांवड़ मेले को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में बैठक हुई, जिसमें अन्य राज्यों से भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहे, साथ ही पुलिस कमिश्नर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जोबट में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों ने खेतों में बोनी कर दी। बता दें कि अलीराजपुर जिले में 2.2 इंच बारिश हुई। पिछले साल इस समय तक 6 इंच बारिश हुई थी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल अभी कम बारिश दर्ज की गई है। राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा था कि उनकी सरकार आने पर पेंशन योजना लागू की जाएगी और मोबाइल से काम करने के लिए मोबाइल और इंटरनेट शुल्क भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते प्रदर्शन करने को मजबूर।
बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश ने निर्माणाधीन पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, तो वहीं पुलिस लाइन में वृक्षारोपण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्कूली बच्चों और पुलिस कर्मियों को भी वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश के 11 नगर निकाय चुनाव में मतदान है और मतदान बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के लिए भोपाल के सेवा संकल्प युवा संगठन ने राजधानी के जहांगीराबाद के रशीदिया स्कूल के पोलिंग बूथ पर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी फूलमाला देकर सम्मानित किया। स्वच्छता अभियान को छिंगा दिखाकर मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीरें झाबुआ के मेघनगर से सामने आई हैं, जहां वार्ड क्रमांक 7 और 8 की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 30 साल पुराने नयापुरा नाले की साफ सफाई नहीं की गई है, जिससे लोग बदबू और मच्छरों से परेशान और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नाले के दोनों तरफ मकान और आंगनबाड़ी भी है, इतनी छोटी मोटी घटना। मंदसौर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने टीआई अमित सोनी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के मकान ध्वस्त कर दिए हैं। प्रशासन ने गरूर थाना क्षेत्र में पीरू मंसूरी और उमर फारूक खान के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया है। इस हमले से जुड़े 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। जगदलपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ललिता मेहर ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी ने अब्दुल कलाम वार्ड में रहने वाली महिला के घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसका दैहिक शोषण किया था। इसकी शिकायत महिला ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जिले में किडनी मरीजों को अब राहत है। यहाँ के किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए बिलासपुर और कोरबा जाना पड़ता था, अब जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खुलने से किडनी मरीजों ने राहत की सांस ली है। 1 माह के भीतर ही 400 डायलिसिस हो चुके हैं। कोंडा गांव में स्टाम्प पेपरों की धांधली की जा रही है। जिले के तहसील और कोर्ट परिसर में स्टाम्प वेंडर अधिक दामों पर स्टाम्प बेच रहे हैं। जिले में 60 स्टाम्प वेंडरों को लाइसेंस जारी किया गया, लेकिन किसी ने भी दिशा निर्देशों की सूची नहीं लगाई है। खुलेआम धांधली की जा रही है। और दमोह न्यायालय ने बालिकाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार दे दिया। न्यायालय के फैसले पर बालिकाओं और अभिभावकों ने मुस्कुराहट भरे चेहरे से कोर्ट का धन्यवाद किया। बता दें कि बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते जीबीएस चाइल्डलाइन ने डायरेक्टर के जिला न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण